स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ठीक है ए पार्ट ए ट्रू सॉलिड यस करेक्ट है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहते हैं ट्रू सॉलिड्स एंड एमोरफा सॉलिड्स को कहते हैं शिडो सॉलिड्स ठीक है ए पार्ट तो करेक्ट तो हुआ पार्ट ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स यस क्रिस्टलाइन सोलिड्स में पार्टिकल्स एक रेगुलर अरेंजमेंट में जुड़े रहते हैं ठीक है चलिए पार्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट यस ये भी करेक्ट क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट ठीक है डी पार्ट आइसोट्रोपिक की नेचर गलत क्योंकि होते एन आइसोट्रोपिक इन नेचर क्या होते हैं इन इन नेचर नेचर अब का क्या मतलब हुआ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे क्रिस्टलाइन सोल्ट में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी उस वजह से ंशर झुका जाता है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर ठीक है तो डी पार्ट क्या है गलत है तो आंसर क्या होगा इस सवाल का डी पार्ट ठीक है डी तो पार्ट इज करेक्ट आंसर ठीक है चलिए थैंक यू